स्टूडेंट इसमें क्या निकालना था हम लोग को? मोलरिटी ऑफ, यस, ऑल द आयंस। तो सबसे पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि ऑल द आयंस में कौन कौन सा आयन, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, और इज ऑल आर सॉल्ट, इज इट राइट? तो ये है, जब तक कुछ नहीं बोला गया है इसका मतलब है कि ये 100% डिसोसिएट होगा सॉल्ट का सोल्यूशन, राइट? तो फिर ये है फेरिक नाइट्रेट, नाम क्या है इसको क्या पढ़िएगा, फेरस नाइट्रेट या फेरिक नाइट्रेट? एनओ थ्री होल्ट नहीं, यहाँ क्या आपके क्वेश्चन में एनओ थ्री होल्ट था? अच्छा, मैं ओरिजिनल क्वेश्चन में जो दिया था वो होल्ट था, चलिए कोई बात नहीं, उसी को लेकर सॉल्व करते हैं, एक ही बात है, मेन तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन? ओके, इसका मतलब है कि अगर इसका सर नंबर ऑफ मोल्स या कुछ मिनी मोल्स पता चल जाए तो हम लोग को ये पता चल जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या है, FeCl3 एक इसमें ब्रेक होगा एवरीवन, क्या ये Fe3++3Cl-, इज इट राइट? और MgNO3 2 एक इसमें ब्रेक होगा, NO3-, करेक्ट है ना? नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि आपके सॉल्यूशन में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस आर प्रेजेंट। वन टू थ्री फोर फाइव, ए और ए डिफरेंट है, सेम है, सेम है, ओके, दैट्स व्हाई। अब यहां देखिए, इसके लिए पहले काम करते हैं FeNO3 2 के लिए, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ FeNO3 2। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ FeNO3 2 निकाल सकते हैं, कैसे? मैंने मोल बोला या मिलीमोल? सर मिलीमोल बोलिएगा तो m into v, लेकिन v को अगर वॉल्यूम ml में है तो मुझे मिलीमोल मिलेगा, ये राइट? तो ये मैंने क्या लिया, वॉल्यूम ml में, दिस इंटू दिस इक्वल टू व्हाट, लेकिन 12 × 50 होता कितना है, क्या यहाँ पे 6 मिलीमोल लिख दें? यस, नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ FeCl3 कितना, तो सर दिस इंटू दिस कर दीजिए, 0.1 × 100, बातों को समझिएगा, क्या 10 बोल सकते हैं मिलीमोल? उसके बाद नंबर ऑफ मिलीमोल इसका कितना, वेरी गुड स्टूडेंट, 26 मिलीमोल। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, समझ में आ गया? ओके, अब यहां पे आपके पास
था कितना? 6 मिलीमोल ना। और जब ये डिसोसिएट करेगा, ब्रेक करेगा, तो इसका 6 से इसका कितना मिलेगा? 6। इसका 6 से इसका कितना मिलेगा? 12। वेरी गुड, ऐसे लिख सकते हैं ना। FeCl3 का हाँ ना बोलिएगा एवरीवन। 10, क्योंकि यहाँ पे अच्छा, क्या एक कोई ऑफिशियल न्यूज आया है क्या कि 11th का क्लास ओपन हो रहा है स्कूल में, न्यूज वगैरह में? अच्छा, और स्कूल ओपन होगा स्टूडेंट तो कैटलिस्ट भी ऑफलाइन के लिए, लेकिन ऑनलाइन में रहूँगा, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में नहीं रहूँगा, बट ऑफलाइन भी अलाउ कर दिया जाएगा। और बेटर रहेगा कि जो नियर बाई में है तो ऑफलाइन के लिए आ जाइएगा, ठीक है? आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगा फिर। 0, तो इसका 1 से इसका 1, तो इसका कितना मिलेगा? 10। और इसका 1 से इसका कितना? 3। तो 10 से कितना? 30 लिख सकते हैं। और इसका कितना है एवरीवन? 26 है ना। बट जब डिसोसिएट होगा तो ए 0, ए कितना? 26। आई कितना? 52। यस, चलिए यहाँ तक आ गए। तो हम लोग का क्वेश्चन में था कि फाइंड द मोलरिटी ऑफ ईच आयंस। तो ईच आयंस का मतलब हर आयन का टोटल नंबर ऑफ मोल या मिलीमोल पहले निकालना पड़ेगा इस तरीके से, इज इट राइट? यहाँ तक आपको ऐसे काम करना पड़ेगा, समझे? चलिए अब टोटल आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग, तो सर ए ए ए और ए जो आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो स्टूडेंट दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर, रिएक्टिंग या नॉन रिएक्टिंग, ऑल आर सॉल्ट, राइट? यस। तो आफ्टर मिक्सिंग टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो सर इसका 100 प्लस इसका 100 प्लस इसका 50, टोटल वॉल्यूम हो गया 250 ml, करेक्ट ना? यस, आफ्टर मिक्सिंग। इसको हटाएं यहां से, हाँ वो मैं खुद व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा कब से आ सकते हैं ग्रुप बनाने के बाद, ठीक है? ओके, तो मोलरिटी ऑफ Fe2+, तो इसका आपके पास कितना मोल है? 6 ही तो है। तो ऊपर में बताया था आपको डिफिनेशन लिखने के टाइम पे, ऊपर में मिलीमोल तो नीचे में वॉल्यूम ml में लीजिएगा, इट राइट? तो 6/250 हो जाएगा मोल पर लीटर, मिली और मिली कैंसिल हो जाएगा, यही तो आपका आंसर रहेगा Fe2+ के लिए। Fe3+ के लिए एवरीवन, तो Fe3+ को सर 10/250 कर दीजिए, नहीं और नाइट्रेट का कितना लिखे है स्टूडेंट जरा बता दी, बताइए तो कैलकुलेट करके। नाइट्रेट का क्या लिखे आपके सामने है कितना? वेरी गुड सर, 52+12, एकदम दिमाग लगाना है। टोटल नाइट्रेट आयन, राइट? तो यहां भी है और यहां भी है, तो दोनों को जोड़ेंगे ना, तो 52+12 करेक्ट है और डिवाइड बाय 250 मतलब 64 मिलीमोल और डिवाइडेड बाय 250 मिलीलीटर, मिली मिली कैंसिल हो जाएगा, तो 64/, समझे डोनाल्ड? इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन है किसी आयन का, तो आपको देखना है कि वो आयन का सोर्स कौन कौन है। जैसे नाइट्रेट आयन, तो इज इट ओनली द नाइट, इज इट द सोर्स ऑफ नाइट्रेट आयन इज ओनली दिस सॉल्ट फेरस नाइट्रेट? नाइट्रेट आयन का सोर्स यहाँ पे दो था, मैग्नेशियम नाइट्रेट एज वेल एज फेरस नाइट्रेट, इज इट राइट? तो दोनों जगह का निकालेंगे और जोड़ेंगे, करेक्ट ना? उसके बाद Cl- का मोलरिटी ऑफ Cl- कितना हो जाएगा?
यस 30/2 ऊपर में मिलीमोल तो नीचे में मिलीलीटर, करेक्ट ना, मोल पर लीटर, दिस इज आंसर। मतलब इसमें इतना काम करना पड़ेगा तब जाकर करेक्ट आंसर आएगा। लिख लीजिए स्टूडेंट। हो जाएगा तो बोलिएगा, दूसरा क्वेश्चन लूंगा। ओ मैग्नीशियम का तो लिखे ही नहीं, मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा एवरीवन? तो मैग्नीशियम कितना है 26/250 मोल पर लीटर, समझ गए? बट बी केयरफुल अबाउट दिस वन, के ऊपर क्या ले रहे हैं मिली मोल तो नीचे में एमएल, ऊपर में मोल तो नीचे में लीटर लेंगे, ठीक है? और देखिए डिटो सेम टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन क्लास 12th वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो सर अभी उनको क्यों पढ़ा रहा है? पहले एक बार पढ़ा चुका हूँ, बट उनका क्लास 12th का फर्स्ट टर्म बोर्ड में के सिलेबस में एक टॉपिक है सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सब जानना पड़ेगा, दोबारा रिविजन करवा रहे हैं, ठीक है? मतलब ये सब जो भी पढ़ रहे हैं वो आपका क्लास 12th के बोर्ड में भी काम आएगा, करेक्ट ना? इसको हटाया जाए एवरीवन। चलिए एक और क्वेश्चन बनाए, तो प्रॉब्लम लिखिए। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ एच प्लस आयन, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ मोलरिटी ऑफ एच प्लस आयन इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन 200 ml ऑफ 1 m HCl मिक्स्ड विथ 200 ml ऑफ 1 m H2SO4। नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ HCl कितना होगा स्टूडेंट? यस, तो इसको 1 × 200, 200 क्या 200 मिलीमोल पहले ही लिख दिए। अ नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ H2SO4 कितना होगा? 200 हो जाएगा। अब सर जब तक कुछ नहीं बोला हुआ है तो 100% डिसोसिएट कर लीजिए, राइट? तो 200 है, आफ्टर डिसोसिएशन क्या मिलेगा? 200 + 200, राइट? और H2SO4 कैसे डिसोसिएट करेंगे एवरीवन? 2H+ + SO4 2-, सही है?
इसका 200 था बट डिसोसिएट होगा तो कितना मिलेगा, इसका 400, इसका 200, इज इट राइट? ओके, तो मोलरिटी ऑफ एच प्लस क्या लिखेंगे, मोलरिटी ऑफ एच प्लस लिखेंगे सर टोटल इसका मिलीमोल, एच प्लस का कितना मिलीमोल हो गया सोल्यूशन में, और एसिड को मिला रहे हैं, एसिड एंड एसिड को मिला रहे हैं, तो इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर, इज इट राइट? यस, तो 200 और 400 कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 400, करेक्ट है ना, 3/2 मोल पर लीटर, करेक्ट। और इसी एग्जांपल में अगर सल्फेट का पूछा जाता तब क्या बोलते, वेरी गुड एवरीवन। और इसी क्वेश्चन में अगर सीएल माइनस का पूछा जाता तब, ठीक है, ओके, हो गया ना, चलिए। एक क्वेश्चन लिखिए, 117 ग्राम ऑफ NaCl, 117 ग्राम ऑफ NaCl, 117 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन हाफ लीटर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, हाफ लीटर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। 117 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन हाफ लीटर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा, तो सर मास ऑफ NaCl क्या है, 117 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl क्या होगा, NaCl का कितना है मॉलिकुलर वेट, एकदम फास्टली कैलकुलेट करके बोलना है, 58.5 डिवाइड करेंगे, हो सकता है डिवाइड सर दो, राइट भाई, इसके लिए आपको 10 सेकेंड मिलेगा एग्जाम में, हार्डली 20 सेकेंड, तो मोलरिटी कितना हो जाएगा सर, 2/2 ऊपर में मोल तो नीचे में लीटर, 4m, राइट। इसमें अगर इतना टाइम ले लेंगे तो काम चलेगा हम लोग का, एक और क्वेश्चन बनाइए, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन तो बन जाएगा ना, ओके, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ फॉलोइंग, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ फॉलोइंग,
सॉल्व फास्ट। पहला क्वेश्चन का क्या नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, कितना 0.74 मास बाय मोलर मास, करेक्ट है एवरीवन, मास बाय मोलर मास। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होगा एवरीवन, मतलब 1/100, करेक्ट। तो मोलरिटी कितना हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो सर 1/100 और डिवाइडेड बाय 1/5/1000 कर दीजिए, करेक्ट। मैंने 5/1000 क्यों किया बिदार से, तो सर ऊपर में मोल था तो नीचे में लीटर ले लिए, राइट। मोलरिटी का फार्मूला बोलिएगा तो डिफिनेशन से काम चल जाएगा, मोल बाय टोटल वॉल्यूम इन लीटर, राइट। ऊपर में मोल तो नीचे में लीटर, ऊपर में मोल तो नीचे में क्या रहेगा लीटर, करेक्ट ना। इस टॉपिक का जहाँ से कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाना स्टार्ट किया वहाँ से दोबारा वीडियो देखिएगा, ऊपर में मोल तो नीचे में लीटर, इज इट राइट। तो वन बाई इस कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, दोबारा वीडियो देखिएगा 2m, इज इट राइट। चलिए बी का मोलरिटी ऑफ, यस, तो भाई HCl का, तो यहाँ पे HCl का मास दिया हुआ है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, पहले अपना रिक्वायरमेंट तो देखिए मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है। ऊपर में HCl का निकालना है वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट HCl है, तो ऊपर में HCl का मोल और नीचे में वॉल्यूम इन वॉल्यूम, करेक्ट, यही है ना, यस। तो पहले HCl का मोल निकालेंगे, बस HCl का मोल दिया हुआ है या मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, क्या मास को मोल में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो बताइए, तो 1/10। कभी कभी हम लोग जानबूझ के अपने आप को समझा लेते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन का अलग से मैं आपको प्लेलिस्ट फाइल बना हुआ पिछले साल का, जहां पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाया हूं ये टॉपिक, ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, मुझसे मांग लीजिएगा, ठीक है। अब दोबारा देखना है तो मोलरिटी कितना हो जाएगा, मोलरिटी ऑफ एच सी एल इक्वल टू 1/10 और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम को कितने लेना है लीटर में, 1/5 कर लें, 200 ml मतलब 1/5 liter मोल लीटर कितना हो जाएगा 1/10 × 5 मतलब 1/2 m, करेक्ट ना, यस। सी का सॉल्यूशन, तो सर यहाँ तो रेडीमेड ही दिया हुआ है, मोलरिटी सिर्फ निकालना है, राइट। कितना हो जाएगा 1/10 और डिवाइडेड बाय हाफ, करेक्ट, 1/5 m। तो ये कहाँ टफ था, ये तो आसान था, राइट। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था, डिफिनेशन बेस्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिखिए पहले, हो गया। इसको हटाएं,
क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, 200 ml ऑफ 1 m HCl प्लस 300 ml वाटर। अब यहाँ देखिए एवरीवन, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर बी को लेते हैं। तो सर 200 ml ऑफ 1 m HCl और उसमें अलग से क्या मिला है? वाटर। और आज के बाद कभी भी स्टूडेंट अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि 2 ml ऑफ 200 ml ऑफ 3 m HCl और आपके मन में अगर ये रहेगा कि ओके सॉल्यूट तो HCl हो गया, करेक्ट, सॉल्यूट क्या हो गया? HCl, ठीक है ना भाई। सॉल्वेंट क्या है? तो सॉल्वेंट अगर नहीं पता चलेगा, नहीं दिया हुआ है, तो डिफॉल्ट में वाटर पकड़ते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब ए सॉल्यूशन बना हुआ था, ये क्या बना हुआ है? ये मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसमें क्या मिला रहे हैं? सॉल्वेंट। तो नहीं लगता सर दिस इज द केस ऑफ डाइल्यूशन, ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आप। दिस इज द केस ऑफ व्हाट? डाइल्यूशन। तो इसके वाटर को मिलाने से HCl के नंबर ऑफ मोल पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मिला रहे हैं, दिस इज द केस ऑफ डाइल्यूशन। एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट किया वो आपको आके नहीं बताएगा कि हाँ ये डाइल्यूशन का क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो बस ऐसे लिख देगा, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ डाइल्यूशन। और अगर सही से आपको याद होगा तो डाइल्यूशन के लिए मैंने एक फार्मूला दिया था, M1V1 बिफोर डाइल्यूशन, राइट, याद है, इक्वल टू M2V2 आफ्टर डाइल्यूशन, राइट। बहुत मन और इंटरेस्ट लगाकर पढ़ना पड़ेगा भाई सबको, इसलिए मत पढ़िए कि हाँ राकेश सर को रिप्लाई करना है, मतलब ये आपका कैरियर का बात है। M1V1 बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू M2V2 आफ्टर डाइल्यूशन। मैं आप लोग का वस्तु स्थिति जो कंडीशन है, माइंडसेट है, उस बात को अच्छे समझ रहा हूँ। मतलब आप लोग के अंदर ऐसा नहीं है कि टैलेंट का कमी है। एक्चुअली आज के हम लोग के साथ एक प्लस पॉइंट था कि हम लोग के टाइम पे कॉन्वेंट वगैरह का, स्कूल का, क्विज का नहीं प्रेशर था, वेरी फ्रैंकली। जैसे बच्चों को मैं इतना डांटता हूँ फिर उन पर मुझे दया आने लगता है कि नहीं, जैसे बच्चों को बोल रहे हैं कि नहीं आप सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करो, बच्चा बेचारा क्या करेगा? वो मेरा कोचिंग का संभालेगा, स्कूल का संभालेगा, या बीच में पिस जाता है, राइट, पजल हो जाने लगता है ना, इधर देखें या इधर देखें, वस्तु स्थिति यही है ना। यस, बट हम लोग टाइम पर फ्रीडम था, मतलब ये नहीं था घर से प्रेशर कि हाँ आप बोर्ड में क्या करते हो, घर से था कि बस तुमको बस IIT निकालना है, बाकी मैं कभी नहीं पूछने जाऊँगा। तो हम लोग को वो सब प्रेशर नहीं था कि 2 महीना के बाद क्विज आ जाएगा, अगर बना रहे हैं तो फिर मोल कॉन्सेप्ट भी बढ़िया से क्लियर कर रहे हैं, जितना टाइम लग जाए मोल कॉन्सेप्ट एकदम तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो बड़ा मतलब पढ़ा सीखने का बड़ा अजीब बड़ा अच्छा माहौल था, धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को डेप्थ में सीखते चले गए, एकदम फ्री होकर सीखे, राइट।
होता ना एकदम फ्री होकर काम करो, तो उसमें बड़ा मतलब अच्छा लगते रहा, नहीं है कोई प्रेशर नहीं है, कोई तलवार लेकर नहीं खड़ा है कि 10 दिन के बाद एग्ज़ाम आ गया, इनिशियली लर्निंग प्रोसेस में। अब आज के डेट में मैं बच्चों का कंडीशन समझ सकता हूँ, बेचारे का क्या हो सकता है, स्कूल शुरू होता नहीं है सितंबर में जून जुलाई में और एक महीना के बाद एग्ज़ाम आ जाता है, जब तक बेचारा थोड़ा संभला ही नहीं था, वेक्टर का कंपोनेंट ही ब्रेक करने के लिए सिखाता था, तब तक एग्ज़ाम सामने आ गया, राइट। क्या कीजिएगा, पूरा इसी में हम लोग को आगे बढ़ना है सब कुछ संभालते हुए। चलिए तो एक्चुअली ये जो करते हैं M1V1 before dilution equal to M2V2 before करते क्या हैं, किसका, सॉल्यूट का, यस ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर वी आर डूइंग द कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, राइट। सॉल्यूट ये सब शॉर्ट नोट्स में रखिएगा स्टूडेंट, कि डाइल्यूशन में ये होता है बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। तो बिफोर डाइल्यूशन कितना था एवरीवन, सर 1 into 200 करेक्ट, बट यहाँ पे 200 आप लिए हैं ml में, मतलब आप मैंने मिलीमोल लिखा है, मोल नहीं, क्या लिखा है, मिलीमोल, तो उधर भी ml में ही लेना पड़ेगा आपको वॉल्यूम, ऐसा नहीं कि इधर ml में ऊपर उधर लीटर में, तो गड़बड़ आंसर आ जाएगा, ठीक है। m2 into अब आफ्टर डाइल्यूशन कितना वॉल्यूम, यस 500, देन व्हाट इज द मोलरिटी, सर 2/5 हो जाएगा, करेक्ट ना। समझ गया एवरीवन। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, बोलिए स्टूडेंट एक किसका एग्जांपल है, दिस इज द केस ऑफ डाइल्यूशन या दिस इज द केस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यस ये सॉल्यूशन बना हुआ था, ये क्या था एवरीवन, सर सॉल्यूशन तो ऑलरेडी बना हुआ था, इसमें आपने क्या मिक्स किया, यस ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो दिस इज द केस ऑफ नॉट डाइल्यूशन, दिस इज द केस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इज इट राइट, सॉल्यूशन को और कॉन्सेंट्रेटेड कर रहे हैं, करेक्ट ना। तो क्या यहाँ पे ये फार्मूला काम करेगा M1V1 equal to M2V2, सर यहाँ पे फार्मूला बिल्कुल काम नहीं करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या कॉन्स्टेंट रहा, तो भाई मेरा कहने का सेंस ये है कि फार्मूला एकदम तोता की तरह रट्टा मारना है या दिमाग अप्लाई करना है, मतलब मेन तो है कि मुझे करना क्या है, सर मुझे करना है नंबर ऑफ फाइनल मोलरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, जाना यहाँ पे है, कहाँ जाना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइनली टोटल और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इज इट राइट। ये जितना भी काम कर रहे थे काम तो वही कर रहे थे, दैट्स वाई यहाँ पे ए वाला फार्मूला काम नहीं करेगा, ये फार्मूला था डाइल्यूशन के लिए, बट दिस इज केस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो कोई बात नहीं सर पहले एक काम कर लेते हैं, इनिशियल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं इनिशियली, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियली निकाल सकते हैं ना सॉल्यूशन में, कैसे, M1 कितना 1, अब भी कितना, अरे 1.5 लीटर सब, यस तो क्या 1.5 मोल, इज इट राइट, और फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आप 1.5 मोल HCl का, सब लोग रिप्लाई करेंगे 1.5 मोल इनिशियली इसमें था, उसमें एक्स्ट्रा आपने कितना ऐड कर दिया, तो सर 1.5 तो पहले से था और उसमें 18.25 डिवाइड बाय 36.5 ये ऐड किए, राइट, मास वाई मोलर मास, ये समझ पाए, मास वाई मोलर मास, मोल में तो मोल को ही ऐड करेंगे, 1.5 प्लस 0.5 कितना 2 मोल, इज इट राइट, यस
तो फाइनल मोल निकल गया, तो क्या फाइनल मोलरिटी निकाल लेंगे? तो फाइनल मोलरिटी क्या रहेगा? फाइनल मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, इज इट राइट? 2 बाई, अब वॉल्यूम कितना था? 1.5 ना, वॉल्यूम तो कुछ बोला नहीं गया है, तो 1.5 ही पकड़ेंगे, तो 2 बाई 1.5 कितना हो जाएगा एवरीवन? 0.5 से तो यहाँ पे 4/3 ना, यस 1.33 m, करेक्ट? इसका मतलब ए इज द केस ऑफ डाइल्यूशन, बी इज द केस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट? तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन में ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है? इसको हटाएं, क्या दिस वन? इसके बाद वाला यहां पे आ गए थे, तो मोलरिटी के लिए फाइनली क्या लिखेंगे? टोटल मोल, मोलरिटी के लिए फॉर्मूला लगा दिए लास्ट में, टोटल मोल राइट, और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो टोटल मोल कितना हो गया? देखिए तो दिस प्लस दिस, ए वाला स्टेप समझ में आया? तो 1.5 प्लस 0.5 2 मोल, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम तो चेंज किए नहीं थे हम लोग, तो सॉल्यूट मिलाए थे, सॉल्वेंट तो मिलाए नहीं थे राइट, तो वॉल्यूम 1.5, तो 4/3 हो गया, करेक्ट ना? 4/3। चलिए 200 ml ऑफ 1 m HCl प्लस 100 ml ऑफ 0.5 m H2SO4, इसके साथ इसको मिक्स किए हैं, एसिड का एसिड को एसिड के साथ मिक्स किए हैं, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर या नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। इस टाइप का एग्जांपल मैं लिया भी होगा राइट, फाइंड फाइनल मोलरिटी ऑफ HCl एंड H2SO4, डू इट फास्ट, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। ओके, तो स्टूडेंट यहां पे क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl
बिफोर मिक्सिंग, शायद आप यही कर रहे होंगे राइट। जब नॉन रिएक्टिंग है तो इसका मिक्स करने से पहले HCl का टोटल मोल, और मिक्स करने के बाद HCl का टोटल मोल डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा आफ्टर मिक्सिंग। और इसके बदले क्या लिख सकते हैं, M1V1। मैं अभी HCl के लिए काम कर रहा हूँ, किसके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया एवरीवन, HCl के लिए। ऐसे लिख दीजिएगा, एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ना तो फॉर HCl, ताकि टीचर को समझ में आए कि आप किसके लिए काम करना स्टार्ट किए राइट। M1V1 इक्वल टू M2V2, ये बिफोर मिक्सिंग का या आफ्टर मिक्सिंग का। बिफोर मिक्सिंग कितना था सर, 1 × 200। आफ्टर मिक्सिंग M2 बताना है। वॉल्यूम कितना लीजिएगा आफ्टर मिक्सिंग, 300 ना, बट यहाँ पे वॉल्यूम एबल में, तो यहाँ भी वॉल्यूम एबल में रहेगा, तो M2 इक्वल टू हो जाएगा 2/3, मतलब 0.66, इज इट राइट। अब हम लोग काम कर रहे हैं H2SO4 के लिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन सब्जेक्टिव एग्जाम में इतना बढ़िया से लिखा हुआ रहना चाहिए कि टीचर एकदम खुश हो जाए चेक करने के टाइम पे, उसको कन्फ्यूजन ना हो। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 बिफोर मिक्सिंग राइट, ऐसे अगर बढ़िया से लिख के आइएगा तो उसको सब कुछ पता चलेगा ना कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके पास, उसके हाथ में कॉपी है, आप तो वहाँ पर है नहीं राइट। बिफोर मिक्सिंग इक्वल टू आफ्टर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग के लिए क्या लिखेंगे एवरीवन, यस, और आफ्टर मिक्सिंग के लिए M2 300 राइट। देन M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5/3, कितना हो जाएगा, 0.16, यस। तो लगता है कि क्वेश्चन टफ है अब आप लोग के लिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है राइट। तो सर ये तो कुछ ऐसा लग रहा है, वैसा कुछ फील आ रहा है कि इट इज काइंड ऑफ डाइल्यूशन के जैसा केस राइट, वॉल्यूम बढ़ गया सिर्फ, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ, फाइंड आउट द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ, फाइंड आउट द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ 0.2 mHCl, फाइंड आउट द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ 0.2 mHCl सॉल्यूशन फाइंड आउट मिनिमम वॉल्यूम ऑफ 0.2 mHCl सॉल्यूशन फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 0.4 m 40 ml NaOH सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि इसका 0.24 m दिया हुआ है ठीक है, इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ कितना 40 ml करेक्ट, और इसका दिया हुआ है 0.2 m, तो बोला गया कि इसका वॉल्यूम, मिनिमम वॉल्यूम कितना रहेगा, सो दैट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब सॉल्यूशन में ना ही एसिड बचे ना ही बेस बचे राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व किए हैं बहुत सारा, क्या सॉल्व कर पाएंगे आप लोग,
ठीक ये 20 एमएल किसका आंसर है? प्रगति आ रहा है, बहुत सारे क्लासेस छूट रहा है क्या आपका? नहीं, ऑनलाइन में आपका ना कभी कभी नाम लेते रहता हूँ, रिप्लाई नहीं आता है, या नेटवर्क इशू? अच्छा अच्छा सब कुछ सही से चल रहा है ना, पढ़ाई लिखाई ठीक है? देखिए तो सबसे ओके, तो देख लेते हैं, इसका वन मोल के लिए इसका वन मोल चाहिए राइट, कोफिशियंट 1:1 है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एन ए ओ एच, नंबर ऑफ मोल ऑफ व्हाट एन ओ एच कितना है? 0.4 × 40 राइट, हाउ मच 16 मिली मोल, याद रखिएगा। अब बताइए इसका मतलब मेरे पास बेस है 16 मिली मोल, तो इसका वन मोल के लिए इसका वन मोल चाहिए, तो इसका 16 मिली मोल के लिए इसका भी 16 मिली मोल होना पड़ेगा, कोफिशियंट 1:1 है, इसका मतलब है फॉर यहाँ पे, बट इज इट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम जितना बेस का मोल रहेगा उतना ही एसिड का रहेगा? सर डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट, इज इट राइट? यहाँ पे वी आर वेरी लकी पीपल के 1:1 आ गया राइट, तो इस केस में नंबर ऑफ मिलीमोल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कभी कभी कुछ सेंटेंस जानबूझ के लिखना चाहिए, न्यूमेरिकल है फिर भी उससे बातें थोड़ा रिविजन होते रहता है, दिमाग में चलता है कि मैं बोल के आ रहा हूँ लिख के रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर जैसे ही ये लिखिएगा तो आपको दिमाग में आएगा ओके इसका कोफिशियंट से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसका 16 आया तो इसका भी 16 ही रहना पड़ेगा राइट, 16 मिली मोल इज इट राइट, और दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0.2 × V, 0.2 × V इक्वल टू व्हाट 16, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आपने यहाँ पे 16 क्या लिखा है, मोल लिखा है या मिली मोल, तो अगर यहाँ पे मिली मोल है तो वॉल्यूम जो आएगा वो ml में आएगा इज इट राइट, इस बात का ख्याल रखिएगा, तो 16/0.2 कितना हो जाएगा 80 ml है, समझे प्रगति आर्य? कहाँ पे मिस्टेक हो गया? अभी समझ में आया, जितना इसका मिलीमोल रहेगा उतना ही इसका मिलीमोल होगा करेक्ट ना, कोफिशिएंट 1:1 है, तो मिस्टेक कहाँ पे हुआ था? ओके एक और क्वेश्चन लिखिए, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स with aqueous solution of HCl to produce calcium chloride plus CO2. According to following reaction. ठीक है,
देखिए तो बैलेंस है ओके पहले गांव में हम लोग के यहाँ शादी वगैरह में मुरब्बा बनता था। मुरब्बा आप सब लोग समझते हैं? मतलब उस टाइम पे क्या होता था वहाँ पे कुछ कुछ इसका मतलब बहुत फेमस है बिहार में, एक मिठाई बन रहता था, मतलब कॉमन मिठाई था। या उतना छोड़िए, आज के डेट में इसका आंवला का मुरब्बा, आंवला तो पक्का जानते होंगे। तो पहले देखते थे वहाँ पे कि मतलब वो लोग क्या करते हैं कि वो नीडल से आंवला में चाहे किसी जिसका भी मुरब्बा होता था उसमें बहुत छोटा छोटा होल करते थे, राइट, और उसको डालते थे लाइम वाटर में, एकदम बहुत वेरी 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 डाइल्यूटेड लाइम वाटर में। हम लोग पूछे थे ऐसा क्यों कर रहे हैं, बचपन का है मतलब, हम लोग तो शादी हो रहा है तो जहाँ पर मिठाई बन रहा है वहीं पर बैठे रहते थे सुबह शाम तक, थोड़ा बहुत मिल जाए नहीं तो फिर पार्टी में तो मिलेगा ही। तो वो लोग बोलते थे कि नहीं इसका कैसेलापन, मतलब हम लोग हिंदी में मतलब बहुत टेंगा टेंगा समझिए आप यहाँ से के लैंग्वेज में, ठीक है, खट्टा, उसको ख़त्म करने के लिए। अभी समझ में आता है ओके, न्यूट्रलाइजेशन कर रहे थे, एसिड बेस रिएक्शन ओके। तो उस चीज़ को मतलब उसको पहले ख़त्म करने के बाद उसको मतलब चीनी के चाशनी में जो भी रस है शुगर सिरप में डालते थे। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर याद आ गया। तो यहाँ देखिए, एक कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें अगर हम लोग डाइल्यूट HCl डाल रहे हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। अब अगर मैं आपको सही से बताऊंगा तो एक्चुअल में बाद में पढ़ाएंगे आपको, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। तो सर एसिड तो नज़र आ रहा है, बेस तो नज़र है नहीं, राइट, एसिड तो नज़र आ रहा है बट बेस तो नज़र नहीं आ रहा है। बाद में जब पढ़ाएंगे तो अभी के लिए छोड़ दीजिए, बाद में जब आपको पढ़ाया जाएगा कि सॉल्ट, बहुत सारा सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन बेसिक होता है, बहुत सारे सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है, और बहुत सारे सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक भी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप फिटकरी का नाम सुने हैं, फिटकरी, यस, एलम पोटास एलम, राइट, सैलून वगैरह में जाएगा तो लोग लास्ट में शेविंग करने के बाद उसको लगाते हैं, वो एक्चुअली एंटीसेप्टिक है, क्या है, एंटीसेप्टिक। तो उसका फार्मूला है K2SO4 Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2O, मतलब उसमें उसका 24H2O उसमें लगा रहता है, और वहाँ से अगर वाटर आउट हो जाएगा तो उसको बोलते हैं डेड एलम, तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी उसका ख़त्म हो जाता है। तो उसको भी कभी कभी ऐसे सेविंग करते हुए अगर वो लोग टच करा दिए ना टंग में, अगर टच हो गया तो खट्टा टाइप का लगता है ओके। और खट्टा मतलब थोड़ा एसिड का कैरेक्टर, विनेगर, राइट, खट्टा, समझ रहे हैं ना बात को, एसिड का नेचर टेस्ट। तो सॉल्ट होते हुए भी खट्टा लग रहा है, इसका मतलब है कि बहुत सारा। तो सर किस टाइप का सॉल्ट, तो ये सब आपको पढ़ाऊंगा आयनिक इक्विलिब्रियम में कि बहुत सारा सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन क्यों एसिडिक होता है, बहुत सारा का बेसिक क्यों होता है, बहुत सारा का न्यूट्रल ही क्यों रहता है, ठीक है। अभी के लिए मेरा ज़्यादा कुछ नहीं करना, बट ये मोटा मोटी जान के चलिए, ये पूरा एक चैप्टर पढ़ना है भाई, आरसी मुखर्जी में एक चैप्टर है जिसका नाम है टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। आरसी मुखर्जी है ना आप लोगों के पास, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है, उसी का बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, फाउंडेशन। लिखिए, हाउ मच मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यहां के बाद हाउ मच मास ऑफ, हाउ मच मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट completely with 100 ml of 0.5 m HCl।
सब लोग ट्राई करें। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आप लोग ऐसे सॉल्व कर लिए, इसका दो मोल के लिए इसका एक मोल चाहिए, राइट? ऐसे सॉल्व कर किए होंगे ना। तो इसका एक मोल के लिए कितना मोल, तो इसका जितना मोल होगा उसके लिए कितना मोल। ऐसे ही चीज़ों को लेना है, फार्मूला नहीं, कॉमन सेंस लगाना है, मेन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, राइट? इसका मतलब सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl निकाले होंगे, जी राइट ना? तो सर नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl इक्वल टू कितना, 0.5 I N2, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लें तो कितना लीटर, 0.1 लीटर, तो ये हो जाएगा 0.05 मोल, करेक्ट है ना? ओके, और नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे इसका दो मोल के लिए एक मोल, तो इसका एक मोल के लिए इसका हाफ मोल, तो इसका 0.05 मोल के लिए इसका कितना चाहिए होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 0.05/2, सही है यूनिटरी मेथड से। और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, मास बाय मोलर मास। तो क्या यहाँ से मास निकल जाएगा, तो सर यहाँ से मास कितना हो जाएगा, आप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ एवरीवन? तो 0.05/2 और कैल्शियम कार्बन का मोलर मास कितना, 100 है, ओके, तो ये हो जाएगा 2.5 ग्राम। मतलब इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा ना, ठीक है। नहीं, यहाँ पे कोई लिमिटिंग रीजन नहीं था, क्वेश्चन का बहुत सटीक स्टेटमेंट ये था कि HCl का इतना के लिए कितना मास चाहिए, दोनों बिल्कुल एक साथ खत्म होने का बात किया जा रहा है, राइट? क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये था ना कि इतना HCl के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड, मतलब ज़्यादा नहीं लेना, कितना लेना है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे तो इस बात का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट था कि विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हम लोग को दिमाग में लाना था बात। वो तो पहले ही बोल रहे हैं कितना HCl है भाई मेरे पास, अब कैल्शियम कार्बोनेट इसमें कितना डालें, क्वेश्चन का डिमांड ये था, राइट, कि मेरे पास HCl का मोल है, कैल्शियम कार्बोनेट कितना डालें। तो क्या यहाँ पे कंपेयर करने, दोनों क्या एक साथ लिए हुए थे, कंपेयर करने का रिक्वायरमेंट था, नहीं था, करेक्ट ना? एक कुछ ऐसा है कि भाई चाय बनाने के लिए सुबह सुबह पानी चढ़ा दिए हैं, मिल्क डाल दिए हैं, अब चीनी कितना डालना है, तो सो हम लोग मोटा मोटी अब दिमाग में कैलकुलेशन करके उतना ही चीनी डालेंगे, राइट? ये नहीं करिए कि एकदम रैंडम चीनी और पानी मिला दिए, अब सोच रहे हैं कौन ज़्यादा हो गया, विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, किसको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो नहीं है। अब हम लोग को उसी के प्रोपोर्शन में डालना था, ठीक है, सो दैट बोथ आर कंज्यूम साइमल्टेनियसली। एक और क्वेश्चन लिखिए, आप लोग का मिड टर्म एग्जाम हो गया एवरीवन? विद्यार्थी
अच्छा कैसा रहा? कोई बात नहीं है, आप लोग इतना मतलब उदास मत होइए, अभी जस्ट सब कुछ इतना सारा एग्जाम देना है। सबसे खुशी की बात है कि आप कैटलिस्ट का क्लास को समझना स्टार्ट कर दिया, इसको समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है भाई। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फिजिक्स में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आगे बढ़िएगा तब समझ में आएगा। जो रेस्ट एंड मोशन काइनेटिक्स वगैरह डील कर रहे हैं वो इस तरीके से बहुत कम जगह गुवाहाटी में डील होता है, जो मतलब मैं अपना तारीफ में नहीं बोल रहा हूँ बातें को, इस बात को फैक्ट बता रहा हूँ। एकाध जगह डील होता होगा, अदरवाइज डील नहीं होता है। जैसे मैं काइनेटिक्स को लेकर चल रहा हूँ, फार्मूला पुटिंग होता है, बट मैं काम कर रहा हूँ प्रॉपर आपको फिजिक्स समझाने का, राइट? बहुत एफर्ट लग रहा है, चाहता तो मैं भी 3 फार्मूला लिख के आगे बढ़ जाता, राइट? ग्राफ के लिए एफर्ट नहीं लगाते, क्यों लगाते? लाइफ आपका भी आसान रहता, मेरा भी आसान रहता, बट वहाँ पे आगे चलकर आपको समझ में आ जाता कि हाँ इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सब्जेक्ट का नॉलेज होना शुरू हो जाए, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, मतलब थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, हर सब्जेक्ट का अपना ग्रेविटी है। पहला क्वेश्चन लिखिए, ये रिएक्शन है, ठीक है? पहला, मोल ऑफ NaCl फॉर्म्ड, फर्स्ट क्वेश्चन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl फॉर्म्ड व्हेन 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज मिक्स्ड विथ पार्थप्रतिम। देखिए आप जो बात पूछे तो उसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन सेट कर दिया आपके लिए। इस क्वेश्चन को बनाइए,
देखिए स्टूडेंट, आप लोग सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व करूं? ठीक है ठीक है। देखिए तो स्टूडेंट, क्या मैंने सही लिखा?
मोल क्या सोडियम कार्बोनेट का इतना लिख सकते हैं 0.1, इसका मोल इतना लिख सकते हैं 0.05। अब मोल को मिली मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पार्थ प्रतिम, यहाँ पे आपका वो बात सही रहता जो पिछले क्वेश्चन में आप कर रहे थे कि सर रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट NaCl किसके अकॉर्डिंग बनेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। तो सोडियम कार्बोनेट और HCl में विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, HCl, क्यों? यस यस, इसके एक मोल के लिए इसका दो मोल चाहिए था, तो इसका 100 के लिए इसका 200 चाहिए था, राइट, है 50 ही, करेक्ट ना। ऐसे भी तो क्रॉस चेक कर सकते थे, दैट्स वाई विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पे एक्चुअली जब बिना कैलकुलेट करके, राइट, बिना कैलकुलेट करके दो चीज को मिलाना है, बिना कैलकुलेट करके आप ऐसे ले लिया अलग अलग, और तब दिमाग दौड़ा रहे हैं किसको किसके साथ किसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, राइट। आप मार्केट से दो चीज़ को मिलाकर कुछ बनाना है, दोनों चीज़ को रैंडमली खरीद के ले आए, तब घर में बैठकर आप देख रहे हैं किसके अकॉर्डिंग ये बनेगा या इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा वहाँ पे, तब यहाँ पे दोनों चीज़ को ले लिए, अब यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, ओके दिस वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, इज इट राइट। इसका मतलब आपको यहाँ पे सोचना है कि कौन सा क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट वाला बात होगा या नहीं होगा, करेक्ट ना। चलिए तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये कितना रहेगा, जीरो। अब यहाँ पे HCl के अकॉर्डिंग NaCl बनेगा और HCl के अकॉर्डिंग ये खर्च होगा, करेक्ट ना। चलिए तो निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl फॉर्म 10.6 इज मिक्स्ड विथ, तो इसका मतलब है दो मोल के लिए एक मोल, तो एक मोल के लिए हाफ मोल, तो 50 मिली मोल के लिए कितना चाहिए, 25 मिली मोल, करेक्ट। तो भाई इसमें से 25 जाएगा, 75 मिली मोल बचा रहेगा, समझे कि नहीं। और एक बनेगा किसके अकॉर्डिंग, दो मोल के लिए दो मोल, तो एक मोल के लिए एक मोल, तो 50 मिली मोल के लिए 50 मिली मोल, करेक्ट। इसका कितना बनेगा भाई, इसका दो मोल से लिए एक मोल, तो इसका 25 मिली मोल, इसका भी 25 मिली मोल। तो पहला क्वेश्चन तो बन गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl फॉर्म, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, तो नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ NaCl इक्वल टू 25, समझ गए। अब उसको मोल में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1000 से डिवाइड कर लीजिएगा। कहीं पे कुछ मिस्टेक तो क्या बोले, लेकिन आपकी मर्जी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये भी करेक्ट है, इसको 1000 से देखिए एक बार देख लीजिए, तो मेरा रिएक्शन बैलेंस तो था ना, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, ठीक है ठीक है। अब इसको मोल में लिखना है तो इसको 1000 से डिवाइड करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन द सोल्यूशन आफ्टर द रिएक्शन, ईच आयन। तो भाई कल ए तो यहाँ देखिएगा, ए गैस है, ए तो आउट हो जाएगा, करेक्ट। तो अब आपके सॉल्यूशन में आयन के नाम पे कौन कौन बचा हुआ है, इसको हटाएं इस तरफ, यस। तो मेरे पास आयन के नाम पे सॉल्यूशन में आफ्टर द रिएक्शन मेरे पास क्या क्या रहेगा, तो आफ्टर द रिएक्शन ए रहेगा, नहीं रहेगा, ये तो खत्म हो गया ना, ए रहेगा, ए रहेगा, ए नहीं रहेगा, खत्म, राइट, यस। इसका मतलब है कि मेरे पास अब सोडियम कार्बोनेट है, तो ए आयन प्रोड्यूस करेगा, कितना ए प्रोड्यूस करेगा, देखिए तो मैंने सही लिखा, और इसके इसका बचा हुआ कितना है भाई, 75 ही ना। तो जब आयन में कन्वर्ट होगा तो ये कितना देगा, 150, और ये कितना देगा, 75, क्या मैंने सही लिखा, आफ्टर द रिएक्शन मैं बात कर रहा हूँ, आफ्टर द रिएक्शन। और NaCl किस में कन्वर्ट होगा, Na प्लस और प्लस Cl माइनस, एक कितना था आपके पास, ओ स्टूडेंट मिस्टेक हो गया, बोले क्या इसका 50 था ना भाई, आप लोग बताए नहीं, 2 से 2 तो 50 से 50, राइट,
देखते रहिएगा कहीं भी मिस्टेक अगर मुझसे होता है तो कैलकुलेशन में, कभी कभी होता है बोर्ड पे नज़दीक से नहीं दिखाई पड़ता है। यहाँ देखिए ए 50 है, जब डिसोसिएट होगा तो कितना मिलेगा 50 एंड 50। तो आपके सॉल्यूशन में और कोई आयन रहेगा? आयन तो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोलाइट, और कोई है जो आयन का सोर्स है? नहीं है सर, इतना ही था राइट। तो विचार द सोर्स ऑफ एन ए प्लस, एन ए प्लस का सोर्स दो है, ए भी है और ए भी है राइट। यस, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एन ए प्लस, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एन ए प्लस कितना होगा भाई? तो सर यहाँ पे 150 या यहाँ पे 50 करेक्ट, यहाँ का 50 यहाँ का 150 कितना हो जाएगा 200 लिख दें। तो मोलरिटी ऑफ एन ए प्लस कितना होगा सर? 200 डिवाइडेड बाई कितना? 100 ml। तो ऊपर में लिखे हैं मिलीमोल, तो नीचे में 100 ml ले लीजिएगा, 2 m राइट। यहां तक हो गया? इन सब क्वेश्चन को दोबारा घर पे बनाइएगा रफ में, ठीक है? ओके और अब किसका निकालना है? कार्बोनेट आयन का। आपके पास आपके सॉल्यूशन में हाउ मेनी कार्बोनेट आयन्स? और कोई आयन? एक फिर सी एल माइनस आयन्स है, कितना? 1 कार्बोनेट आयन है या 75 मिलीमोल है? हाउ मेनी नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ कार्बोनेट आयन्स? वो मैं आपको बात समझ गया कि सर, मैं आपको बात को समझ गया कि ये सर इससे एक से एक मिलेगा, बट 75 से कितना मिलेगा वो पूछ रहे थे। यस, ऊपर में मिलीमोल तो नीचे में ml राइट, कितना 3 और ऊपर 4, 3/4 m करेक्ट ना विदार से? यस, Cl माइनस 50 बाई क्या इतना लिखते हैं सही है 100 ना, 200 ml था क्या? अच्छा किए सही थे, लिखे गलत थे नहीं, 3/4 25 से डिवाइड कर रहे थे यहाँ पे करेक्ट है ना, हाफ एम हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सी ओ टू लिबरेटेड एट STP, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ सी ओ टू प्रोड्यूस? सी ओ टू का मोल निकाले थे ना एवरीवन? यस, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी ओ टू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी ओ टू, मोल्स बोल रहा हूं तो 25/1000, 25 मिलीमोल था करेक्ट ना? तो भाई बाकी का मोलर वॉल्यूम तो हम लोग को याद नहीं रहता है, बट एक कंडीशन का तो हम लोग रटे हुए हैं राइट। टोटल मोल बाय मोलर वॉल्यूम कितना? 22.5। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। हो गया, ओके स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हेडिंग बना के छोड़िए, मेन हेडिंग नेक्स्ट क्लास के लिए रहेगा। पढ़िए क्या लिखे है, इसके अंदर का सब हेडिंग रहेगा इक्विवेलेंट वेट करेक्ट ना? हाँ, तो इसमें नहीं, मैं आपका क्वेश्चन को नहीं समझा, बताइए तो फिर से बोलिए। तो लैंग्वेज से पता चलेगा प्रीवियस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था, कितना HCl के लिए कितना चाहिए। मैंने अगर आपसे पूछा कि भाई मेरे पास 1 लीटर मिल्क है
इसको इससे चाय बनाना है तो कितना चीनी लेना है, और जितना चीनी चाहिए उतना ही लेना है शुगर, राइट। इसका मतलब पहले ही तो उस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि ओके मिल्क की जो लिमिटिंग है उसी के अकॉर्डिंग मुझे शुगर डालना है, एक्स्ट्रा शुगर नहीं लाना है, राइट। समझे बात को? मतलब यहाँ पे इसे प्रीवियस क्वेश्चन में था कि इतना HCl है इसके लिए कितना मास चाहिए, तो ज़्यादा मास लेंगे या HCl के अकॉर्डिंग ही मास लेंगे, तो HCl वहाँ पे कंट्रोल कर रहा था रिएक्शन को, राइट। बट इस क्वेश्चन में ऐसा था, इस क्वेश्चन में था कि इसके साथ इसको मिक्स कर दिए, अब आपको समझना है क्या कितना बनेगा और कौन डिसाइड करेगा, करेक्ट। तो ले देकर भाई यू हैव टू डिसाइड कि कहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, वो क्वेश्चन का लैंग्वेज में मिक्स रहता है, उस क्वेश्चन का लैंग्वेज को आपको डिकोड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, राइट। ठीक है, पहले इसको समझ तो लीजिए, उसके बाद एक साथ शेयर करेंगे सब पढ़ाने के बाद। मैं उसी का बात कर रहा हूँ, उसी का बात कर रहा हूँ। पहले इसको यहाँ पे जब जिस क्लास से मैं मोलरिटी स्टार्ट किया होगा, कॉन्सेंट्रेशन उसको दोबारा पहले देखिए, ठीक है, ओके, हाँ।